दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आज मैं दो मेजर टीवी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ऊपर की तरफ है वीव्यू प्रीमियम 4K 50 इंच का वेरिएंट और नीचे की तरफ है तोशिबा U50 का 43 इंच 4K वेरिएंट। दोनों ही टीवी को आज कंपेयर करेंगे और बताएंगे सारी डिटेल इस टीवी के बारे में और वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर पाओगे कौन सी टीवी आपके लिए बेहतर है और बहुत सारे यूनिक टेस्ट भी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखा। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है लेकिन मेरा प्रॉमिस है आप सभी को कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे इस धमाकेदार कंपैरिजन को शुरू करने से पहले यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तोशिबा टीवी को व्यू प्रीमियम के साथ कंपेयर और दो के दोनों टीवी 4K वेरिएंट है और व्यू प्रीमियम के साथ मैं एक और टीवी आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो हाइसेंस की 4K टीवी है। व्यू प्रीमियम और हाइसेंस में हार्डली कुछ फर्क है तो दोनों ही टीवी में 19-20 का फर्क है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो डिफरेंसेस है। एक होगा ब्राइटनेस निट्स को लेके और हाइसेंस की टीवी में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और व्यू की प्रीमियम टीवी में आपको मिल जाता है डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट। तो ये कुछ छोटा मोटा फर्क है तो यहाँ पे आप हाइसेंस की टीवी भी कंसिडर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कंपेरिजन में टीवी के बूटिंग टाइम को लेके। दोस्तों हम सभी ने देखा कि यहाँ पे जो तोशिबा की टीवी है 15 सेकंड लगे सिर्फ इस टीवी को स्विच ऑन होने के लिए। बूटिंग सिस्टम बहुत ही फास्ट है और ये टीवी आती है विडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और दूसरी तरफ बात करें व्यू प्रीमियम में तो व्यू प्रीमियम को लग गया डबल टाइम से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 41 सेकंड लगे 41 सेकंड लग गए व्यू प्रीमियम को स्विच ऑन होने के लिए और ये टीवी आती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब यहाँ पे कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में क्योंकि जब टीवी स्विच ऑन हो जाती है तो सबसे पहला काम होता है वाईफाई को कनेक्ट होना। तो वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में भी अब कंपैरिजन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही टीवी में वाईफाई तो कनेक्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 से 15 सेकंड भी लगते हैं दोनों ही टीवी को कनेक्ट होने के लिए वाईफाई से। और यहाँ पे व्यू की टीवी में आता है डुअल बैंड वाईफाई और तोशिबा की टीवी में भी आता है डुअल बैंड वाईफाई, ऐसा कंपनी का क्लेम है कि उसमें डुअल बैंड वाईफाई है। लेकिन जहाँ तक मैं टेस्ट कर पाया हूँ, आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जहाँ पे जो वाईफाई का लिस्ट है वहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 4 वाईफाई लिस्टेड हैं व्यू की टीवी में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तोशिबा की टीवी में तो यहाँ पे आपको 3 वाईफाई दिख रहे हैं, तो एक वाईफाई मिसिंग है, मतलब ऊपर की जो टीवी है व्यू की प्रीमियम टीवी वहाँ पर डुअल बैंड वाईफाई प्रॉपरली काम कर रहा और यहाँ पे वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन दूसरी तरफ तोशिबा की टीवी में ये चीज़ नहीं है, मतलब यहाँ पे सिंगल बैंड वाईफाई है। तो यहाँ पे हमारी टेस्टिंग में पहली रिपोर्ट निकल के आ रही है जहाँ पे इस तोशिबा की टीवी में कंपनी कहती है डुअल बैंड वाईफाई लेकिन इस टीवी में आपको सिंगल बैंड वाईफाई ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को आइडिया आ गया रहेगा कौन सी टीवी में सिंगल बैंड वाईफाई है और कौन सी टीवी में डबल बैंड वाईफाई है। कंपनी का क्लेम है तोशिबा टीवी का कि उस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है लेकिन यहाँ पे हम लोग ने लाइव टेस्ट किया और यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इस टीवी में सिंगल बैंड वाईफाई है। तो काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई इसमें सिंगल बैंड वाईफाई है या डुअल बैंड वाईफाई, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते और यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में, एप्स के बारे में और
पिक्चर सेटिंग्स के बारे में। तो Viu की टीवी जो आती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने मिल जाएगा। और इस टीवी में आपको 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दूसरी तरफ बात करें तोशिबा की टीवी में, तो तोशिबा की टीवी आती है विडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने मिलेगा जहाँ पे कुछ ऐप्स या होम स्क्रीन पे लिस्टेड हैं, जैसे कि यूट्यूब, प्राइम वीडियो, Z5 ये रिसेंटली ऐड हुआ है इस टीवी में। और जहां तक सवाल है इस टीवी के रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में, तो तोशिबा की टीवी में आपको 1.5GB का रैम देखने मिल जाएगा। और स्टोरेज की बात करें तो इस टीवी में 4GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और विडा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी एप्स है काफी लाइट वेट है, तो ज्यादा रिसोर्स वगैरह और ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं है। बात कर ले Viu टीवी के एप्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको काफी एप्स देखने मिल जाते हैं, और प्ले स्टोर से आप काफी कुछ डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ ऐप्स ये साइड लोड भी किया है, मतलब जैसे जियो टीवी मैंने साइड लोड किया है, VLC ऐप भी मैंने यहाँ पे इस टीवी में डाउनलोड किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ ये टीवी में, क्योंकि ये एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तोशिबा टीवी में, तो एक बार इसके ऐप्स की लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेटफ्लिक्स आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएगा, प्राइम वीडियो, Z5, हंगामा प्ले, यूट्यूब, और भी अलग तरह के ऐप्स है जो शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे अगर ऐप्स की बात करें, तो तोशिबा जो ऐप स्टोर है यहाँ पे जो ऐप्स है काफ़ी लिमिटेड है एज इफ नाउ। बात कर ले यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के बारे में, तो Viu की टीवी में आपको कुछ इस तरह का सेटिंग्स ऑप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे पिक्चर, साउंड, पैरेंटल कंट्रोल, नेटवर्क, ऐप्स, ये सब सारे चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगे, डिवाइस प्रेफरेंसेस, तो इस तरह का मेन्यू दिया गया है। और यहाँ पे कुछ पिक्चर सेटिंग्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको बैकलाइट का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आप ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे पिक्चर मोड दिए गए तरह तरह के, जहाँ पे डायनामिक, स्टैंडर्ड, नेचुरल, गेम, क्रिकेट, सिनेमा, कैलिब्रेटेड। बाय द वे मेरा फेवरेट कैलिब्रेटेड है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। और बात कर ले यहाँ पे कुछ आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर को एडजस्ट करने के लिए। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे साउंड में एक बार सेटिंग्स में देखें, तो यहाँ पे आपको सिस्टम साउंड ऑन है, और साउंड मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड, थिएटर, स्पोर्ट्स और ये सारे तरह तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं इसी टीवी में। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे हमारी तोशिबा की टीवी के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मेन्यू देखने मिल जाएगा जहाँ पे पिक्चर फर्स्ट में आता है। यहाँ पे डायनामिक मोड सिलेक्टेड है। पिक्चर मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और सिनेमा डे, सिनेमा नाइट, डायनामिक और स्पोर्ट्स, ये सारे मोड्स मिल जाते हैं। और उसी के बाद यहाँ पे पिक्चर मोड सेटिंग्स में अगर आप आते हो, तो यहाँ पे आपको बैकलाइट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर सैचुरेशन, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पिक्चर क्वालिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे साउंड में ऑप्शन में देखें, तो यहाँ पे आपको तरह तरह के साउंड मोड यहाँ पे भी इस टीवी में दिए गए, जैसे स्टैंडर्ड, थिएटर, म्यूजिक, स्पीच, लेट नाइट और स्पोर्ट्स। यहाँ पे मेरे टेस्टिंग के दौरान मुझे ये अच्छा लगा कि स्टैंडर्ड और जो थिएटर साउंड मोड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकल के आए। और यहाँ पे इस टीवी में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। Viu की टीवी में आपको डॉल्बी एटमॉस नहीं, वहाँ पे आपको डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट दिया गया है, और इस टीवी में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे साउंड मोड सेटिंग्स में देखें, तो यहाँ पे आपको इक्विलाइजर मिल जाता है। ये अलग से, मतलब मैं कहना चाहूँगा, जो आपको Viu की टीवी में देखने नहीं मिलेगा, ये एक डिफरेंस दोनों ही टीवी में है। और इसके बाद और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है, एक्सेसिबिलिटी सिस्टम, ये मतलब बेसिक ऑप्शन दिए गए हैं जो हर एक टीवी में होते ही है। और दोस्तों अब यहाँ पे कंपेयर करें दोनों ही टीवी के रिमोट के बारे में, तो दोनों ही टीवी को जब मैं टेस्ट कर रहा, तो यहाँ पे एक मुझे बहुत ही फनी चीज मिली, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो अब आप देखिए क्या होता है कि ये है यहाँ पे मेरे पास रिमोट तोशिबा का, ऊपर है टीवी Viu की और नीचे है यहाँ पे तोशिबा की। मैं एक बार इसको स्विच ऑन करता हूँ, और आइडियली तोशिबा की टीवी ऑन होनी चाहिए। ओ माय गॉड, Viu की टीवी भी ऑन हो गई। आई डोंट नो ये कैसे है, बट ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी मैंने और कुछ ट्राई किया स्विच ऑन होने के बाद, Viu की टीवी में अब कुछ नहीं हो रहा है। अब जो भी हो रहा है तोशिबा की टीवी में हो रहा है, बट जो स्विच ऑन और ऑफ है ये एक्चुअली में एक ही रिमोट से हो जा रहा है। मतलब Viu की टीवी भी ऑफ तो नहीं हुई अभी। लेट मी एक बार वापस प्रेस करता हूँ, हो गई। मतलब तोशिबा के रिमोट से आप Viu की टीवी ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, और सेम तोशिबा की टीवी तो ऑन ऑफ तो होगी ही।
तो ये एक फनी चीज निकल के आई ड्यूरिंग माई टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ये फनी चीज़ मुझे मिली ड्यूरिंग माई टेस्टिंग, और ये मुझे पता है कि रीज़न क्या है। अगर आपको रीज़न पता है तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और मैं भी जानूँ कि आप कितने स्मार्ट हो। आप यहाँ पे दोनों टीवी के, जब मैं रिमोट की बात कर रहा हूँ तो पहले बात करें तोशिबा के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का रिमोट मिल जाता है जहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं ऊपर की तरफ, जो आपको टीवी के चैनल्स को नेविगेट करने में हेल्प करेंगे। बाद में यहाँ पे मेन्यू का बटन दिया गया है, और बाद में देखते हैं जॉयस्टिक दिया गया है चारों एंगल्स में। उसके बाद यहाँ पे इस टीवी में एक डिफरेंस निकल के आता है व्यू टीवी के कंपैरिजन में, कि जहाँ पे आपको बिल्ट इन एलेक्सा मिलता है तोशिबा की टीवी में, दूसरी तरफ बात करें व्यू की प्रीमियम में आपको गूगल असिस्टेंट का वॉइस एनेबल्ड रिमोट मिलता है। दोनों ही टीवी आती है ब्लूटूथ रिमोट के साथ। और बात करें यहाँ पे डेडिकेटेड कीज के बारे में, तो डेडिकेटेड कीज भी सिमिलर ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल प्ले और हॉटस्टार का बटन मिल जाता है व्यू की टीवी में, लेकिन यहाँ पे आपको इस तोशिबा की टीवी में सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो का ही बटन दिया गया है, और इसी के साथ ही एक मीडिया का ही बटन दिया गया है इस टीवी में, इस रिमोट में। और दोस्तों बात करें यहाँ पे दोनों ही टीवी के लुक्स और डिज़ाइन के बारे में, तो दोनों टीवी आती है बेजललेस डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे जो अलग चीज़ निकल के आती है तोशिबा की टीवी में, जहाँ पे उसके जो टेबल टॉप स्टैंड है बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं। अगर आप टेबल टॉप यूज़ करोगे तो बहुत ही मस्त लगता है। जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी, और बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग, ऑसम मैं कहना चाहूँगा उसकी बिल्ड क्वालिटी, और मेटल का टेबल टॉप स्टैंड है। व्यू की प्रीमियम में भी आपको वही तरह का टेबल टॉप मिल जाता है, लेकिन जो डिज़ाइन और फिनिशिंग है तोशिबा टीवी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पोर्ट्स भी लगभग सेम ही है, आपको दोनों ही टीवी में देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और पोर्ट्स में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे अब टाइम आ रहा है भाई फेस्टिव सीजन का, दिवाली नवरात्रि वगैरह सब कुछ आने वाली है, तो यहाँ पे भाई लोग टीवी वगैरह तो लेंगे ही, तो इसी के साथ ही साथ सेल भी आ रहा है। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन वगैरह सेल्स वगैरह देखने मिल जाएंगे। ऑफर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर उस टाइम पे आप लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल दिए है, अगर आप प्लान कर रहे हो रहने का तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताओ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस कंपैरिजन को बनाने के लिए, लास्ट 4-5 दिन से कंटिन्यू शूट चालू था। और यहाँ पे अगर ये वीडियो अगर कोई भी ढंग से हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर क्या दबाया। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, काफ़ी कुछ अपडेट्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।